निगम भिलाई आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम को आर्थिक रूप से सबल बनाने संपत्ति कर की वसूली शत प्रतिशत हो इसके लिए समय समय पर राजस्व करों की वसूली की समीक्षा करते हैं। इस दौरान उन्होंने संपत्ति कर विभाग को निर्देशित किया था कि लंबे समय से निगम का टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों की सूची जोनवार प्रस्तुत करें, जिसका अवलोकन करने के बाद निगम भिलाई क्षेत्र के 27 भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्ति कर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने कुर्की का वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी की नियुक्ति करते हुए 31 मई तक राशि की वसूली करने निर्देश दिए। निर्धारित राशि 31 मई तक जमा नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों एवं दुकानों पर निगम भिलाई प्रशासन ताला लगा देगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित स्वामी की होगी। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्षों से अपने लंबित अपना संपत्ति कर की राशि नहीं जमा कर रहे हैं। उनको बार बार नोटिस दिया गया, एक बार उनको नगर निगम अधिनियम की धारा 74 के तहत नोटिस दिया गया, फिर भी नोटिस का संज्ञान लोगों ने नहीं लिया और अपना प्रकरण क्या नाम है संपत्ति कर नहीं जमा किया। फिर उन्हें धारा 75 की तरह नोटिस दिया गया, धारा 75 की तरह कुर्की वारंट जारी किया गया है। कुर्की वारंट का मतलब है कि वहाँ पर जाना और जो लोग संपत्ति कर नहीं जमा कर रहे हैं और संज्ञान नहीं ले रहे हैं उनको दुकानों पर ताला लगा दिया जाएगा, उनका प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए 31 मई लास्ट डेट है, कृपया आप सहयोग करें। हमारा उद्देश्य यह नहीं कि दुकानों पर ताला लगाना, हम चाहते हैं आप भी एक जिम्मेदार शहरी बने, अपना संपत्ति कर जमा करें और आप संपत्ति कर जमा करें उसी संपत्ति कर से तो उस क्षेत्र का विकास होता है और सारी योजनाएं चलती हैं। तो आप भी सहयोग करें और नगर निगम भिलाई भी सहयोग करें, लेकिन जो नहीं जमा करेगा उसके ऊपर से तालाबंदी की कार्रवाई की जाए। गुमास्ता लाइसेंस कैसा है कि अगर वो जब दुकान बंद हो जाएगा तो फिर उसकी प्रक्रिया है अपने आप ही मतलब उनको करना। और मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा बकाया है, कुछ न्यूसेंस होता है, तो गुमास्ता लाइसेंस संबंधी कार्रवाई की जाएगी। पहला तो तालाबंदी कर दिया जाएगा, बाद में अगर कुछ ऐसा पाया जाएगा तो नियमानुसार नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।